जबलपुर में आए दिन खुलेआम हो रही फायरिंग की कड़ी में कल रात एक और घटना बेलबाग थाने में घटित हुई। सीएमएस कंपाउंड निवासी मार्टिन परिवार के घर के बाहर हुई हवाई फायरिंग के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल निर्मित हो गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय अग्रवाल के द्वारा बताया गया कि आरोपी अनिराज नायडू और अन्ना के खिलाफ कई थानों में प्रकरण दर्ज है एवं ये बदमाश इन अपराधों में फरार चल रहा है जिसकी तलाश की जा रही है। थाना बेलबाग में कल रात को एक घटना हुई है जिसमें कि एक विवाद हुआ था पेंटी नाका पर आपस के दो दोस्तों के बीच में, और उसका बदला लेने के लिए, उसको डराने के लिए उसके घर के सामने फायर किया गया है, हवाई फायर किए गए हैं। तो इसमें जो नाम निकल के आया है वो एक बदमाश है अनिराज अन्ना, जो कि पहले से ही कई थानों की कई घटनाओं में फरार चल रहा है, और इसके खिलाफ जो है थाना बेलबाग में अपराध पंजीबद्ध किया गया है और सभी को निर्देशित किया गया है इसको जल्द से जल्द पकड़ने के लिए। अभी भी फरार है सर? हाँ, अभी फरार है वो। क्या घटना हुई थी कल रात? कल रात में मैं पढ़ रहा था अंदर बैठ के, और घर वाले यहाँ पे आग ही ताप रहे थे, और फिर उसके बाद एकदम से आवाज़ आई कुछ फूटने की, तो मेरी सिस्टर ने देखी कोई लड़के लोग निकले, कोई अनजान था, नहीं पता था, और यहाँ पे खबर वो पहली कि मतलब बाहर सबने चिल्लाए कि गोली चली है करके, तो हम लोग बाहर जाके देखे तो मेरी गाड़ी में गोली चली थी। फिर उसके बाद पुलिस आई और जो इन्वेस्टिगेशन हुआ वो हुआ है। कौन था? ये नाम तो नहीं पता कौन था, कोई विवाद नहीं ना कुछ है मेरा पर्सनल में, तो पढ़ाई से संबंधित। मेरा नाम एल्विन मार्टिन है।